हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद मीडिया जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बना रहा है और आंदोलन को लेकर उन पर सवाल खड़े कर रहा है, इस पर पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के सवालों से यह समझ नहीं आ रहा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट के जरिए कहा, जब से दलित समाज ने भारत बंद आंदोलन किया, समझ में नहीं आ रहा देश का प्रधानमंत्री कौन है। मीडिया सारे सवाल राहुल गांधी से कर रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है मीडिया ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। बता दें कि कानून को कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलितों द्वारा 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद बुलाया गया था। इस दिन देश भर में प्रदर्शन हुए जिसमें तकरीबन एक दर्जन लोगों की जान चली गई, कई लोगों को गंभीर चोटें आईं और करोड़ों की सरकारी प्रॉपर्टी जलकर खाक हो गई। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के लिए सरकार और मीडिया ने मिलकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया। मीडिया ने हिंसा को लेकर सरकार और प्रशासन से सवाल पूछने के बजाय विपक्षी नेताओं पर सवाल दागने शुरू कर दिए। मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो नहीं पूछे, लेकिन आंदोलन में राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े किए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।